Good morning, students. I, Taru Singh, Assistant Professor, Department of Commerce. I am teaching here the business organization. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्यावसायिक संगठन होता क्या है. Business, as we know, कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट का, any product which we sell and purchase the goods and services for earning profit, that concept is known as business. क्योंकि हम व्यवसाय को जानते हैं जब किसी भी वस्तु की बेच और खरीद करते हैं हम किसी भी तरीके के लाभ को कमाने के लिए तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं व्यवसाय. ठीक है. नाउ बिजनेस इज व्हाट. नाउ द टॉपिक दैट आई एम टीचिंग यू एज आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ यूनिट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट दैट इज द लोकेशन ऑफ द प्लांट. व्यवसाय कहाँ पे आपका जो भी इंडस्ट्री या बिजनेस है कौन सी जगह पे लोकेट होना चाहिए. दैट इज सेलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइट जहां पे आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने वाले हैं उस जगह को उस स्थान को हम कहते हैं लोकेशन ऑफ द प्लांट. तो लोकेशन ऑफ द प्लांट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए. देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी आर एस्टैब्लिशिंग व्हाइल वी आर लोकेटिंग आवर साइट. तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा द फर्स्ट फैक्टर व्हिच वी विल कीप इन माइंड व्हेन वी आर लोकेटिंग आवर प्लांट व्हेन वी आर लोकेटिंग आवर इंडस्ट्री व्हेन वी आर लोकेटिंग आवर बिजनेस इज नियरनेस एंड एसेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल. क्योंकि रॉ मटेरियल ही एक ऐसा चीज होता है जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट में सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को भेजते हैं. दैट इज अ नियरनेस एंड एसेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल. एंड व्हाई? बिकॉज रॉ मटेरियल is converted into semi-finished product, then finished product, and finally, if your business is not located near the accessibility of raw material, suppose the order of the customer is there, and if it's taking 2 or 3 days for coming to raw materials, then what will happen? It will take quantum of time for producing a product. So, business should be established. कहाँ पे होना चाहिए business? ऐसी जगह पर जहाँ पे हम आसानी से raw material को उपलब्ध करा सके. और जब हमें raw material बगल में होगा तो the production that we are going to carry will be quickly and we are going to assess the order of the customer quickly. दूसरा factor जो आपका होगा that is the nearness to market. Where the raw material you are converting that finished product, for whom you are giving that finished product? For the customer. So, agar market, aapka market is place where you are going to purchase and sells the goods, where the producer and customer, they are meeting with each other and they are selling the product to the customer. So, market agar near hoga, तब आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से वहां पर जाकर बेच सकते हैं. क्योंकि मार्केट इज ओनली द प्लेस जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दे मीट ईच अदर दे एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कस्टमर दे आर फाइंडिंग द राइट पीपल टू हूम आई हैव टू सेल द प्रोडक्ट एंड फॉर दैट प्रोडक्ट द कस्टमर इज पेइंग द वैल्यू दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस. ठीक है. सो नियरनेस टू मार्केट आपका प्लांट आपका बिजनेस का दूसरा फैक्टर व्हिच वी हैव टू कंसीडर इन अवर माइंड इज द नियरनेस टू मार्केट. ठीक है. तो पहला हो गया कि नियरनेस एंड एसेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल. वी कैन इजिली हैव द रॉ मटेरियल एंड वी कैन कन्वर्ट दैट सेमी फिनिश इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली वी कैन सेल द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. और दूसरी चीज जो आपकी होनी चाहिए द सेकंड पॉइंट द सेकंड फैक्टर व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड इज द नियरनेस टू मार्केट. बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड वी आर गिविंग इट टू द मार्केट. सो एज एंड व्हेन नियर इज द मार्केट द मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू सेल टू अवर कस्टमर. The third factor which we have to keep in mind that is the availability of the labor. Because we know there are only the 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. So labor is the most active factor of production which he is converting the raw material into semi-finished product and finished product. So availability of the labor is also the main factor which we have to keep in mind when we are locating our plant. The third factor jo hame apne dhyan mein rakhna chahiye ki labor jo hamara ho wo ek to hame cheap prices pe mile. That too it is available at the cheap rate of prices. Because agar aap wahan par apne plant ko apne business ko sthapit karenge locate karenge jahan pe labor bahut mehanga hoga
तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, आपकी लागत जो होगी वो ज़्यादा आएगी. इसलिए हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए. द ओनली थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू लोकेट द प्लांट, वी आर गोइंग टू लोकेट अवर बिजनेस एट द पॉइंट जहाँ पे हमको आसानी से चीप लेबर उपलब्ध हो सके. चौथा पॉइंट, फर्स्ट इज नियरनेस एंड एसेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल, नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. द फोर्थ फैक्टर विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल. हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके लिए होता है वो होता है पूंजी, कैपिटल विथ विच यू हैव टू कमेंस योर बिजनेस. द ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विद द बिजनेस प्लान जिससे आपको बिजनेस अपना स्टार्ट करना है. एंड कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. अगर व्यवसाय के पास पूंजी नहीं है तो वो अपना व्यवसाय आगे नहीं चला सकता. तो इसलिए द फोर्थ फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर लोकेटिंग अवर बिजनेस और प्लांट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. एंड कैपिटल के बहुत सारे स्रोत हैं, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं है हमारे पास तो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते. तो फोर्थ इंपॉर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. एंड देयर आर वेरियस सोर्सेस. समटाइम इट हैपेंस दैट कैपिटल कहीं ना कहीं दैट इज लेस. सो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस विद विच वी कैन बोरो अवर कैपिटल, लाइक शेयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट इज यू नीड कैपिटल फॉर मोर देन 5 years. व्हेन यू नीड कैपिटल फॉर 1 to 5 years, दैट्स अ मीडियम टर्म फाइनेंस. And when you have to repay the capital within 1 year, तो वो होता है आपका short term finance. और बहुत सारे स्रोत भी होते हैं finance के, capital के. That's long term. आप share ले लीजिए. You know what is share? The total capital of the company is divided into small small unit, and that one unit is known as शेयर. ये भी एक ऐसा स्रोत है जिसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरो कर सकते हैं. दूसरा आपका डिबेंचर. डिबेंचर इज वॉट? दैट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, जहां पे आप ये बताते हैं कि यू आर बोरिंग द प्रिंसिपल सम अलोंग विद द इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू रिपे टू द पर्सन. एक आपका एक्नॉलेजमेंट है. तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज द लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. क्योंकि अगर आप किसी तरह की, इफ यू आर गोइंग टू कमेंस एनी इंडस्ट्री, सो यू नीड फाइनेंस, एंड दैट टू फॉर द 1 to 5 years. तो दैट फाइनेंस इज, there are various sources, various financial institutions which are lending credit to the businessman for more than 5 years. You have the ICICI, IDBI, IFCI for small industries, SIDBI for rural bank, NABARD, RRB. There are various financial institutions by which the capital is available. So another important factor which we are keeping in mind when we are establishing our industry is the availability of capital. Puji ka hona. अगल बगल जहाँ पे भी आप अपने व्यवसाय को स्थापित करने जा रहे हैं वहाँ पे कैपिटल भी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी. जब आप अपने व्यवसाय को कहीं भी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो अगल बगल यू हैव टू सी दैट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल. व्हाई? बिकॉज बिजनेसमैन इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, सो ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड बेसिकली फॉर द टू पर्पसेस. दो मुद्दे के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है. एक तो वो, व्हेन यू आर, भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? सप्लायर से आएगा. कहाँ आएगा? प्रोडक्शन पॉइंट पे आएगा. सो फॉर कैरिंग आउट द गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से वहाँ सेमी फिनिश टू फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. दूसरा, जब आपका वो फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, फर्स्ट फॉर व्हाट? दैट यू आर कैरिंग आउट द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लायर. जो है वो गुड्स कहाँ भेजेगा? प्रोडक्शन पॉइंट पे भेजेगा. और प्रोडक्शन पॉइंट से गुड अब कहाँ जाएगा? व्हेन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, नाउ इट हैज टू बी कैरीड आउट टू द मार्केट. अब वो कहाँ जाएगा? कस्टमर उसको कंज्यूम कैसे करेंगे? जब सेमी फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक जाएगा. सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट किसके लिए जरूरत है? टू पर्पस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, और जब वो प्रोडक्शन दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश प्रोडक्ट, देन दैट हैज टू बी गोन टू द
market. That has to be going to the customer, taki customer usko ultimately use kar le. So transportation is basically necessary for the two purposes. Ab kya hai communication? Obviously, where you are going to establish your enterprise, sampreshan bahut hi acha hona chahiye. Communication is what? When you are exchanging your ideas and facts with the sender as well as with the receiver. Suppose agar aapne apne goods ko apne business ko establish kar liya lekin wahan par proper network nahi hai, proper communication nahi hai, to how the customer is going to give the order to the producer? Theek hai, so it is very very necessary ki where you are establishing your product, where you are establishing your business, wahan pe aasani se aapko sampreshan ki suvidha uplabdh honi chahiye. There should be good communication facility, the availability of all the networks within the range, within the site where you are going to establish your business. Next cheez jo bahut hi zaruri, bahut sare aise factors hote hain apart from this, that is the personal consideration, historical consideration. ठीक है, पर्सनल वाई? बिकॉज आई लाइक दिस प्लेस, आई हैव द पर्सनल लाइकिंग फॉर दिस प्लेस, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माई बिजनेस हियर, दैट्स माई बैकग्राउंड, आई नो वॉट इज कस्टमर एग्जैक्टली इज डिमांडिंग इन दैट, सो आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश माई बिजनेस देयर. नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल. समटाइम्स वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश द बिजनेस देयर वेयर दैट प्लेस इज हिस्टोरिकली फेमस. सपोज इफ यू आर हैविंग द बिजनेस, यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ बनारसी साड़ीज, ऑब्वियसली यू आर लिविंग एनी वेयर, but Banaras is famous for what? That is famous for Banarsi sari. So obviously if you are establishing the business at that place, because that place is historically famous for that product, definitely the customer have had the severe interaction for attraction for that place. तो इसलिए कभी कभी हिस्टोरिकल कंसिडरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने व्यवसाय को वहां पर स्थापित कर रहे हैं. The next factor is the repair and maintenance facility. Yes, that's very important. कि अगर आपको machine चाहिए, if you are having the machine and you are converting that product into semi-finished to finished product, suppose that machine किसी भी तरह से उसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो अब आप क्या करेंगे? If अगल बगल के आपके एरिया में, if nearby places you are not having the proper repair and maintenance facility, what you are going to do? So definitely the machine has to be, if there are having repair and maintenance, so machine agar koi dikkat aayi turant aap jaake machine ko theek kara ke again you are going to production, fir se aapke production ka smooth flow aap le aa sakte hain. Ab dusri cheez, ye to hua hamara location of the plant. Location matlab kaun si jagah pe hum apne business ko establish karenge. Now the second point is the plant layout. प्लांट लेआउट, अभी तक हम बात कर रहे थे लोकेशन ऑफ द प्लांट की, कि कौन सी वो जगह होगी जहां पर हम अपने व्यवसाय को स्थापित करेंगे. अब नाउ लेआउट, लेआउट मतलब उस जगह पर किस तरह से आप अपने मशीन्स का, अपने इक्विपमेंट्स का, अपने वर्क इन फोर्स का कैसा अरेंजमेंट करेंगे ताकि आपका लेआउट अच्छा हो. कोई भी मकान का यदि हम ढांचा बनाते हैं तो ये आवश्यक होता है कि उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के पहले, उस ढांचे को खड़ा करने के पहले हम एक मैप बनाते हैं ताकि किधर हमारा किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा ताकि हमको जैसा घर चाहिए वैसा ही बने. वैसा ही एग्जैक्टली टू दैट, दैट इज द लेआउट ऑफ द प्लांट. We have selected the site, we have selected the location, all the factors are nearby, accessibility to raw material, market near hai, availability of power is there, capital is there, sab availability of labor is there. Now sari cheez ko dekhte hue humne apne vyavsay ko ek jagah par sthapit kar diya. We have located the plant at one place. Now the second point is the layout. How we are going to arrange that machine, plant, equipment and work and force in such a specific way ताकि आसानी से सारा काम, सारे हमारे जो लक्ष्य है, whatever objectives are there, that has to be accomplished. वो हमारा object जो है वो आसानी से accomplish हो जाए और उस goods की बेच और खरीद पे हमको लाभ हो. तो now layout of the plant भी there are of three types. आप जब लेआउट ऑफ द प्लांट की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज इन द थर्ड यूनिट, दैट इज ऑफ थ्री टाइप.
एक तो पहला होता है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा होता है प्रोसेस लेआउट एंड द थर्ड वन इज स्टेशनरी लेआउट और चौथा आपका होता है मिक्स लेआउट। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। प्रोडक्ट लेआउट इज व्हाट? प्रोडक्ट लेआउट दैट मींस कि जब मशीन्स का अरेंजमेंट हम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ ऑपरेशन रखेंगे, ताकि एक लाइन लेआउट भी इसको बोला जाता है, वी कॉल द प्रोडक्ट लेआउट एज लाइन लेआउट ऑल्सो बिकॉज हियर द मशीन्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे जिसका जिसका ऑपरेशन होगा उसी के अनुसार हम उस मशीन को अरेंज करेंगे, इसीलिए हम इस तरह के लेआउट को कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट, बिकॉज हियर द मशीन्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर लाइन ऑफ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड इन दैट लेआउट। द सेकंड वन इज प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में हम क्या करते हैं, द मशीन दैट इज ऑफ डिस्टिंक्ट नेचर, दैट इज ऑफ सेम सिमिलर नेचर आर केप्ट इन दैट सिमिलर डिपार्टमेंट। जैसे अगर ग्रिलिंग मशीन का काम है दैट हैज टू बी केप्ट इन ग्रिलिंग डिपार्टमेंट, ड्रिलिंग मशीन का काम है दैट हैज टू बी केप्ट इन ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ग्राइंडिंग मशीन का काम है दैट हैज टू बी केप्ट इन ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट। दैट मीन्स जितना डिस्टिंक्ट और सिमिलर नेचर है मशीन का, उसी के अनुसार मशीन उस जगह पर ग्रुप होती है और वहां पर हम जाके आसानी से काम कर सकते हैं। तीसरे तरीके का जो लेआउट होता है वो आपका द थर्ड वन इज द स्टेशनरी लेआउट। As we know, the meaning of the stationary is when the particular thing is remaining at the fixed position. कोई भी चीज जब एक ही जगह पर रहती है तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं stationary position. और यहां पर वही है, that means the material remains at fixed place, men and equipment has to come and perform that distinct operation. For example, डीजल लोकोमोटिव इंजन आप देख लिए, इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पोर्टेबल बाई एक जगह से आप दूसरी जगह को उसको ले पाए, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दैट इज वेरी हैवी, वेरी बल्की, सो दैट मटीरियल आर रिमेनिंग एट फिक्स्ड प्लेस, व्हाट द मैन एंड इक्विपमेंट दे आर कमिंग एंड दे आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। तो इस तरह के लेआउट को वी कॉल इट एज स्टेशनरी लेआउट बिकॉज हियर द मटीरियल इज रिमेनिंग एट फिक्स्ड पोजिशन। एंड द लास्ट वन इज द मिक्स्ड लेआउट। When we group together the project layout as well as the process layout in order to carry out the advantages of both, ताकि दोनों की सुविधाएं हमको मिल सकें, जब हम ऐसे तरीके के लेआउट को, ताकि प्रोडक्ट लेआउट मैंने क्या बताया था, दैट मीन्स एक लाइन में मशीन आपकी उपलब्ध हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और प्रोसेस लेआउट प्रोसेस प्रक्रिया के अनुसार अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस व्हेन द मशीन्स आर केप्ट वन बाय वन। तो ऐसे लेआउट को हम कहते हैं प्रोसेस लेआउट। और मिक्स लेआउट क्या होता है, जहां पे वी आर कंबाइनिंग द एडवांटेज फीचर्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट लेआउट एज वेल एज द प्रोसेस लेआउट, देन दिस टाइप ऑफ लेआउट इज नोन एज मिक्स्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग आउट द एडवांटेजेस ऑफ बोथ, हमको इन दोनों का लाभ मिल रहा है, एक तो हमारी मशीन्स लाइन ऑफ ऑपरेशन में भी लगी हुई है, साथ में हमको जिस नेचर की मशीन चाहिए हम उस डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज नोन एज मिक्स्ड लेआउट। नाउ दिस इज वी हैव कंप्लीटेड विद द लोकेशन ऑफ द प्लांट एज वेल एज द प्रोडक्ट लेआउट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, दैट इज वेबर्स एज वेल एज फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन। थैंक यू।